वेलकम टू फाइंड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम है एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, या फिर आप इसे फ्लाइट बुकिंग एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप फ्लाइट सर्च कर सकते हैं, बुक की हुई फ्लाइट को देख सकते हैं, बुक की हुई फ्लाइट को कैंसिल कर सकते हैं। एंड एडिशनली हमने इसमें कस्टमर सर्विस पेज भी बनाया है, जिसमें आप क्वेरी भी रेज कर सकते हैं। ये इस प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट जावा, HTML, CSS, Applin.js एंड फ्रेमवर्क यूज़ किया है स्प्रिंग बूट, थिमलिप, Applin.js एंड डेटाबेस के लिए यूज़ किया है MySQL। तो ये इस प्रोजेक्ट का होम पेज है, जहाँ पे हेडर सेक्शन में आपको लेफ्ट हैंड साइड में लोगो मिल जाएगा, देन बीच में नाम, देन राइट हैंड साइड में आपको तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे, यानी कि तीन बटन्स। एक है लॉगिन, दूसरा है साइन अप एंड तीसरा है कस्टमर सर्विस। और फ्लाइट बुकिंग करने के लिए आप यहाँ पे डिटेल्स डाल के फ्लाइट सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे है ओरिजिन, यानी कि जहाँ से आपको जाना है, और डेस्टिनेशन, यानी कि जहाँ से आपको पहुँचना है। डिपार्चर में आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो, जिस तारीख को आपको जाना है। एंड फोर्थ वन है कैबिन क्लास। कैबिन क्लास में आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, इकोनॉमी, बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास। एंड पैसेंजर टाइप्स में आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, अडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट। तो चलिए मैं आपको फ्लाइट बुक करके दिखाता हूँ। अभी सपोज़ कर लीजिए मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मैं ओरिजिन में दिल्ली सेलेक्ट करूँगा, देन डेस्टिनेशन में मुंबई, देन डिपार्चर यानी कि डेट में सेलेक्ट करूँगा 1 जनवरी 2024। अभी मैंने यहाँ पे 1 जनवरी 2024 किस लिए सिलेक्ट किया है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। और कैबिन क्लास में मैं सिलेक्ट करूँगा फर्स्ट क्लास, पैसेंजर टाइप में अडल्ट एंड सर्च फ्लाइट। ये हमारा सेकंड पेज ओपन हो चुका, जिसमें फ़्लाइट रिजल्ट दिखाते हैं, यानी कि जो अवेलेबल फ़्लाइट है उसका डेटा दिखाते हैं। अभी तो फ़िलहाल दिल्ली एंड मुंबई के रूट पे ये फ़्लाइट अवेलेबल है, तो इसका डेटा शो कर रहा है। फ़्लाइट का नाम यहाँ पे शो कर रहा है एयर इंडिया, देन फ्लाइट का नंबर, देन ओरिजिन, देन डेस्टिनेशन, देन डेट। यहाँ पे टाइम आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगा। ओके, तो अभी इसको बुक करने के लिए आपको फ़्लाइट नंबर याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि हम ट्रेन में टिकट बुक करते हैं, तब ट्रेन का नंबर यूज़ करके उसको टिकट बुक करते हैं। ओके, तो उसी प्रकार हम फ्लाइट बुक करेंगे। तो मैं बुक पे क्लिक कर देता हूँ। अभी फ़्लाइट बुक करने के लिए लॉगिन एंड पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक साइन अप नहीं किया। जैसे किसी बुकिंग वेबसाइट पे होता है कि विदाउट आप साइन अप टिकट बुक नहीं कर सकते, सेम फंक्शनलिटी इस प्रोजेक्ट में भी है। विदाउट आप साइन अप यहाँ पे टिकट नहीं बुक कर सकते। तो सबसे पहले हमें साइन अप करना होगा। सो ये है साइन अप पेज। यहाँ पे आपको नाम, जेंडर, एज, ईमेल, नंबर एंड पासवर्ड, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करना होगा। तो मैं नाम यहाँ पे डाल देता हूँ मुकेश, मेल, एज mukesh@gmail.com। फ़िलहाल के लिए मैं डमी नाम यूज़ कर रहा हूँ। आप जब साइन अप करोगे तो आप अपने रियल नाम और नंबर से भी ऐड कर सकते हो। पासवर्ड एंड क्रिएट अकाउंट। ओके, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी लॉगिन करने के लिए जो नंबर आपने साइन अप में डाला है वही नंबर यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड पासवर्ड एंड देन लॉगिन। लॉगिन करने के बाद एक और डैशबोर्ड खुलेगा, जो कि आपका इंटरनल डैशबोर्ड होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वेलकम मुकेश लिख के आ रहा है। देन लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स आपको मिलेगी, जो कि हमने साइन अप की हुई हम साइन अप कर रहे थे तब जो डिटेल्स हमने फिल की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। तो एक बार यहाँ पे जो डिटेल्स हमने साइन अप पेज पे फिल की है वही रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे नेम, जेंडर, एज, ईमेल, नंबर। ओके, एंड ये डैशबोर्ड पे आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे, सर्च फ्लाइट का, बुक टिकट, माय बुकिंग एंड कैंसिल टिकट के।
एंड उसके नीचे है यहाँ पे फ़्लाइट्स, कौन से कंपनी के यहाँ पे फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे इनके लोगोज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन हम देखेंगे सर्च फ्लाइट। सर्च फ्लाइट में मैं वही वापस से डिटेल्स ऐड करूँगा, मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली से मुंबई, और यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट करूँगा 1 जनवरी, फर्स्ट क्लास अडल्ट, देन सर्च फ्लाइट। तो आपको यहाँ पे जो फ्लाइट अवेलेबल है उसका डेटा शो हो रहा है। अभी फ़्लाइट अवेलेबल है एयर इंडिया, ये फ़्लाइट का नंबर है दिल्ली से मुंबई। तो जब भी आप फ़्लाइट बुक करोगे तो आप ये फ्लाइट का जो नंबर होता है वो कॉपी कर लेना, क्योंकि जब आप टिकट बुक करोगे, पैसेंजर डिटेल्स ऐड करोगे, तब ये फ़्लाइट नंबर वहाँ पे लगेगा हमें, उसी से आपका टिकट जो है वो बुक होगा। अब ये नंबर इसलिए ज़रूरी है ताकि जब यहाँ पे मल्टीपल फ्लाइट्स रहेंगे तो उनके, अभी यहाँ पे एयर इंडिया के बहुत सारे मल्टीपल फ़्लाइट्स अवेलेबल रहेंगे, तो इसलिए हम फ्लाइट नंबर यूज़ करेंगे बुकिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे फ़्लाइट नंबर कॉपी कर लेता हूँ, देन बुक टिकट पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस पेज पे हमें पैसेंजर की डिटेल्स ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल्स में नेम, जेंडर, एज, मोबाइल नंबर, पैसेंजर टाइप, फ़्लाइट नंबर एंड कैबिन क्लास। तो सबसे पहले मैं एक नाम डाल देता हूँ, मुकेश, जेंडर, एज 23, मोबाइल नंबर आपको वही यूज़ करना है जो आपने साइन अप में यूज़ किया था। देन पैसेंजर टाइप्स अडल्ट, देन फ्लाइट नंबर जो हमने कॉपी किया था, देन यहाँ पे बिजनेस। मैं एक और ऐड कर देता हूँ, नीता, फीमेल, एज 22, नंबर अडल्ट, फ्लाइट नंबर हमारी सेम रहेगी, देन बिजनेस इसको मैं फर्स्ट कर देता हूँ, ओके। और एक पैसेंजर मैं ऐड कर देता हूँ, राहुल, मेल, एज 12, सेम नंबर यूज़ करेंगे। यहाँ पे चाइल्ड लिख देता हूँ, इकोनॉमी, बिजनेस, इकोनॉमी कर देता हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैबिन क्लास सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि यहाँ पे बिजनेस फर्स्ट, इकोनॉमी। तो हम यहाँ पे तो अभी बुक करके देखते हैं। तो जो आपके टिकट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुके हैं और यहाँ पे उसका लिस्ट भी दिखा रहा है। वापस हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। अभी जो हमने टिकट बुक किए हैं उसको अगर देखना है तो आप माय बुकिंग सेक्शन में देख सकते हो। सो हमने 3 टिकट बुक की थी, तीनों का डेटा माय बुकिंग सेक्शन में आ चुका है। यहाँ पे मुकेश, नीता, राहुल, मेल, फीमेल, मेल, जो एज डाली थी वो, एंड मोबाइल नंबर, अडल्ट, फ्लाइट बुकिंग, कैबिन क्लास में आप देख सकते हो बिजनेस फर्स्ट, इकोनॉमी, ओके। यहाँ पे टिकट नंबर शो हो जाएगा आपको, ये टिकट नंबर ऑटो जनरेट है, यहाँ से ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। एंड सेम एज सीट नंबर भी ऑटो जनरेटेड है, यहाँ पे आप सीट नंबर भी चेक कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि टिकट को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। सपोज़ जो हमारे ये 3 पैसेंजर्स है, मुकेश, नीता एंड राहुल, अगर इनमें से हम राहुल की टिकट कैंसिल करेंगे और देखेंगे वापस कि माय बुकिंग सेक्शन में जो कैंसिल हुई टिकट है वो शो होती है या नहीं, ओके। बैक टू द डैशबोर्ड, देन क्लिक ऑन द कैंसिल टिकट। यहाँ से हम टिकट कैंसिल कर सकते हैं। हमारे तीनों पैसेंजर की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, मुकेश, नीता, राहुल। अभी मैंने कहा था कि राहुल की टिकट कैंसिल करते हैं एंड देखते हैं कि वो कैंसिल होती है या नहीं। सिंपली आपको कैंसिल पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल द टिकट, ओके। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कैंसिल हो चुकी है। अभी बैक टू डैशबोर्ड, अभी जो हमने कैंसिल की हुई टिकट वो माय बुकिंग में रिफ्लेक्ट हुई या नहीं वो देखते हैं।
ओके तो ये रिफ्लेक्टेड है। पहले हमारे पास 3 पैसेंजर की लिस्ट थी, अभी 2 है। इसमें से हमने जो अभी डिलीट की है वो यहाँ पे शो नहीं कर रही है। अभी आपको अगर टिकट रिलेटेड कोई इश्यू है, आपकी आपको बुकिंग कैंसिल करना है या फिर रिफ़ंड लेना है या फिर कोई भी अगर अदर इश्यूज है, उसके लिए हमने यहाँ पे हेल्प सेक्शन दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में एट द बॉटम यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमर सर्विस का पेज है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे आपको फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। देन फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन अगर आपको टिकट रेज करनी है रिगार्डिंग बुकिंग इशू या फिर कैंसलेशन इशू या फिर रिफंड इशू, तो यहाँ पे सिंपली आप नाम डाल दीजिए, अपना नंबर डाल दीजिए। देन जो भी आपका इशू टाइप है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। देन सबमिट। तो मैं आपको एक यहाँ पे डेमो दिखाता हूँ। राहुल मोबाइल नंबर 1212 एंड बुकिंग मेरा रिफंड है। आई वांट माय रिफंड। देन सबमिट। तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर द गिवन इशू हैज़ बीन सेंड टू आवर सपोर्ट टीम, दे विल रीच यू एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू। ओके तो इस प्रकार आपका टिकट भी रेस हो जाएगा। तो ये है एक ओवरऑल फ्लाइट बुकिंग रिजर्वेशन सिस्टम। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि डेट जो है वो मैं 1 जनवरी 2024 की सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बैकएंड में हमने वही डेट पर्टिकुलर फ्लाइट के लिए वहाँ पे सेट की हुई है। आपको अगर बैकएंड देखना है तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि कैसे हमने डेटाबेस में ये फ़्लाइट की डिटेल्स हमने ऐड की हुई है। यहाँ पे आप एयर इंडिया, यहाँ पे आपको फ़्लाइट का नाम, फ़्लाइट का नंबर, सिटी, यहाँ पे ओरिजिन की सिटी एंड डेस्टिनेशन की सिटी, और यहाँ पे डेट एंड यहाँ पे आप टाइम एंड प्राइस भी डाल सकते हो। तो पर्टिकुलरली मैंने इस फ्लाइट के लिए ये डेट सिलेक्ट की है, इसीलिए वो फ़्लाइट शो हो रही है। अगर आप कोई और डेट सिलेक्ट करेंगे तो वो डेटा शो नहीं होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए 1 जनवरी 2024 ये सिलेक्ट करके सर्च करता हूँ तो मुझे एयर इंडिया की फ़्लाइट दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने MySQL आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो ये दिल्ली से मुंबई 1 जनवरी मैंने डेट यहाँ पे फिक्स की हुई है, इसलिए वो डेटा वहाँ पे शो हो रहा है, ये डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं इसकी जगह कुछ और डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि 10 जनवरी 2024, तो यहाँ पे आपको फ़्लाइट सर्च नहीं होगी। तो जब भी आप फ़्लाइट सर्च करोगे तो बैकएंड में एक बार देख लेना कि उस पर्टिकुलर फ़्लाइट पे कौन सी डेट आपने बैकएंड में ऐड की हुई है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल फ़्लाइट्स के लिए मल्टीपल डेट्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फ़्लाइट्स यहाँ पे डाले हैं, जैसे कि एयर इंडिया के डाले हैं, इंडिगो के, विस्तारा, देन स्पाइस जेट। सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में फ़्लाइट के नाम डालने हैं, देन फ़्लाइट के नंबर्स, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, देन यहाँ पे डेट, देन यहाँ पे टाइम एंड देन यहाँ पे प्राइस। आप सेम डेटा आपके डेटाबेस में ऐड कर लीजिए और डेटाबेस में ऐड करने के बाद आपको फ्रंट एंड में वही डेट पे पर्टिकुलर फ़्लाइट शो हो जाएगी। अगर इस प्रोजेक्ट में आपको कुछ एडिशनली फंक्शन करना है, जैसे कि कोई अगर फंक्शनलिटी आपको चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम आपको वो एडिशनल फंक्शन भी ऐड करके दे सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट को आपको लेसन चाहिए तो हम 1-on-1 लेसन भी दे सकते हैं, जो कि गूगल मीट पे हम आपको पढ़ाएंगे कि ये प्रोजेक्ट हमने कैसे बनाया, इसमें कौन सी कोडिंग यूज़ की है और किस फ्रेमवर्क में यूज़ किए और कैसे यूज़ किए, तो इसके सारी जो डिटेल्स हैं वो भी हम प्रोजेक्ट के लेसन में आपको बताएंगे। अगर आपको जावा में नए प्रोजेक्ट्स चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो भी हम बना के दे सकते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करके आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करेंगी।
अगर किसी को जावा सीखना है तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिए, अफोर्डेबल प्राइस में आपको हम जावा सिखा देंगे।